संयुक्त राज्य अमेरिका में मंकी पॉक्स के मामलों की पहचान पहली बार बच्चों में हुई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। कैलिफोर्निया में एक बच्चा और एक शिशु में इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC ने एक बयान में कहा कि दो मामले असंबंधित हैं और संभवतः घरेलू ट्रांसमिशन का परिणाम है। एजेंसी ने कहा कि बच्चे अच्छे स्वास्थ्य में हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। इस बीच बाइडेन प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या मंकी पॉक्स के प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाए, क्योंकि अमेरिका में मामले शुक्रवार को 2800 से अधिक हो गए। ये बातचीत चल रही है। व्हाइट हाउस के कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर आशीष झा ने कहा कि निश्चित रूप से बातचीत चल रही है। हम ये देख रहे हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करके रिस्पांस को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी घोषणा स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग की ओर से की जाएगी। झा की ये टिप्पणी तब आई जब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस तरह की कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। देश भर में 14,000 से ज्यादा मामले मंकीपॉक्स के सामने आ चुके हैं। फ्लू जैसे लक्षणों और त्वचा के घावों का इसमें कारण है। पश्चिम और मध्य अफ्रीका के देशों के बाहर जहां ये स्थानिक है, मंकीपॉक्स बड़े पैमाने पर उन पुरुषों में फैल रहा है जिन्होंने हाल के प्रकोप में संक्रमित पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए। ये रोग मुख्य रूप से निकट संपर्क से फैलता है। इस साल अब तक 60 से अधिक देशों में मंकीपॉक्स के 14,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और अफ्रीका में 5 मौतें भी हो चुकी हैं। इस तरह की और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।